नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद यादव, आपका स्वागत करता हूँ रिव्यू मजे एक और एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम लोग बताने वाले हैं आपको कि किस प्रकार फूड ग्रेड मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि वर्जिन प्लास्टिक से बना हुआ बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके वाटर प्यूरिफायर में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइप्स के बारे में। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा पाइप्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बटन प्रेस करके हमारा बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि यूं ही प्रकार के जो लेटेस्ट अपडेट्स से आपको हमेशा मिलते रहें। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरओ पाइप्स के बारे में। जो आरओ पाइप्स है दोस्तों, दो साइज में अवेलेबल होते हैं। ये बने होते हैं वर्जिन प्लास्टिक से। ये आता है 1/4 और 3/8 इन दो साइजेस में। तो दोस्तों बात करते हैं इन पाइप्स की लाइफ की। जी हाँ दोस्तों, ये जो पाइप्स है इनकी लाइफ जनरली होती है 1 ईयर प्लस। लेकिन दोस्तों बहुत रिकमेंडेड है कि जब आप आपके फिल्टर्स चेंज करें 1 साल के बाद में, आपको आपकी पाइप्स को रिप्लेस करना बहुत जरूरी होता है। पाइप्स को बनाने के लिए 2 टाइप के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला होता है वर्जिन प्लास्टिक, यानी कि फूड ग्रेड मटेरियल जो बना रहता है प्योर वर्जिन प्लास्टिक पैलेट से या फिर पीपी दाना से। जो बनता है पाइप उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही बढ़िया होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाइप्स जो है ज़्यादा करके आप देख सकते हैं जो नॉन वर्जिन मटेरियल के बने होते हैं, ये जो है कुछ सालों बाद में ये ब्रेक हो जाते हैं और इस प्रकार से उनकी हालत हो जाती है, बहुत ही फ्रैजाइल हो जाते हैं, जो आराम से ये टूट जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये नॉन वर्जिन मटेरियल का बना हुआ है। ये सेम पाइप है वर्जिन मटेरियल का बना हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं पूरी तरह से एज है। जैसे इसके अंदर से आप देख सकते हैं इसके अंदर भी काई है, लेकिन ये वर्जिन मटेरियल का बना हुआ है। ये भी उतना ही साल इस्तेमाल किया है फिर भी ये नहीं टूट रहा है, बिकॉज ये वर्जिन प्लास्टिक से बना हुआ था। तो दोस्तों सबसे ज्यादा रिकमेंडेड, जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाए आप उसकी अंदर की पाइपिंग चेंज कर दे, बिकॉज पाइप्स जो है अगर टूटने लग जाए तो आपको कस्टमर के पास दोबारा जाना पड़ सकता है। पाइप लीकेज की वजह से कोई हादसा भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप फिल्टर के साथ में पाइप्स भी चेंज कर दें। कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन कस्टमर भी खुश हो जाएगा और आपको भी दोबारा चक्कर नहीं मारना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अंदर जो है, आप देख सकते हैं इसके काई जम जाती है ब्लैक कलर की, कभी कभी मट्टी भी जम जाती है। इसका रीज़न क्या है? इसका कोई रीज़न नहीं है दोस्तों, प्लास्टिक है। जब भी इसके ऊपर हीट गिरेगी तो अंदर जो है काई बननी शुरू हो जाएगी। उसको प्रिवेंट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको पाइप को रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए, या फिर आप ब्लू कलर का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा गया है कि ब्लू कलर की पाइप में जो है काई कम जमती है कंपेयर टू व्हाइट कलर पाइप। व्हाइट कलर की पाइप में काई अच्छी तरह से जम जाती है, लेकिन ब्लू कलर के पाइप में आसानी से काई नहीं जम पाती। इसलिए आपने देखा होगा कि रिजेक्ट के पाइप में हमेशा ब्लू कलर का पाइप इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कलर का भी इतना इम्पोर्टेंस होता है। तो आपके आरओ के पाइप को जब भी आप सर्विस कराते हैं तो क्या आप उन्हें चेंज कराते हैं? जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ चेंज ज़रूर कराइएगा और हमेशा अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का पाइप इस्तेमाल करिएगा, बिकॉज उसका जो ओडी है वो प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका ओडी प्रॉपर नहीं रहेगा तो कई बार आपको फिटिंग्स के अंदर इसे डालने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार आपको बहुत ताकत लगाने के बाद भी वो पाइप जो है आपके फिटिंग्स में नहीं बैठ पाता है, बिकॉज इसकी जो ओडी है, आउटर डायमीटर है, वो प्रॉपर नहीं होता, इररेगुलर होता है। अगर आप ओरिजिनल पाइप इस्तेमाल करेंगे किसी भी ब्रांडेड कंपनी का तो ये इश्यू आपको नहीं आएगा। सेम दोस्तों जो 3/8 के पाइप है उनमें भी ये सारी बातें लागू पड़ती है, इसलिए पाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं डुप्लीकेट पाइप की या सस्ते पाइप्स की। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उनका ब्रेक होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जो ओरिजिनल कंपनी के, ब्रांडेड कंपनी के पाइप्स होते हैं वो अप टू 120 PSI तक का प्रेशर, उससे भी ज़्यादा प्रेशर विस्टैंड करने के लिए बने होते हैं। जो डुप्लीकेट पाइप्स होते हैं, सस्ते पाइप्स होते हैं, वो हमेशा 100 PSI के प्रेशर पे फट सकते हैं या फिर वो टूट सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए पाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे आरओ सिस्टम के अंदर, तो प्लीज़ पाइप के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए दोस्तों अगले टाइम आप अगर पाइप खरीद रहे होंगे तो अच्छे कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का ही खरीदिए। थोड़े पैसे के लिए अपने कस्टमर के खिलाफ मत जाइए, या फिर आपको ही दिक्कत होगी अगर आप सस्ती चीज़ खरीदेंगे तो
तो ये था दोस्तों पाइप्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want.